हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास। दोस्तों, एमबीबीएस पीओ प्रीलिम्स का पेपर 4 दिसंबर को स्टार्ट होगा। काफी सारे लोग अपीयर करेंगे। क्वेश्चन मन में आ रहा है कि सर कितने अटेम्प्ट कर लें कि मेरा पेपर एटलीस्ट क्वालिफाई हो जाए। बहुत टाइम हो गया, अभी तक पेपर नहीं निकला था। अभी आपको एक सिनेरियो बताना चाहूंगा। रिसेंट में एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट हुआ था और आपने आई होप उसका रिव्यू भी देखा होगा। लोग पहले से डिसाइड करके गए होंगे कि यार अब तो मैं पहले शिफ्ट में जा रहा हूँ, मेरा पेपर ऑलमोस्ट इजी आएगा और मैं अच्छे खासे बड़े अटेम्प्ट करके वहां पर आऊंगा। लेकिन पेपर में कोड देखने को मिला, दैट मीन्स कि ए बी सी डी अलग अलग पेपर फॉर्मेट हर पर्सन का अलग अलग आ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि किसी का पेपर थोड़ा सा इजी है, किसी का मॉडरेट है, किसी का टफ है, ये सिचुएशन हमें देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। तो आप पहले से जज नहीं कर सकते कि पेपर हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, ये चीज़ माइंड में कर लो। अब दो चीज़ें हैं, अगर पेपर इजी आ रहा है तो आप क्वांट में नियर अबाउट 25 to 28 तक कर लोगे। रीजनिंग अगर इजी आ रहा है तो आप 30 तक भी कर लोगे। लेकिन वहीं पर इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश में जो सेफ स्कोर है वो दोस्तों 11 से लेकर 14 के बीच में। अगर आप पॉजिटिव स्कोर कर रहे हो तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप 13-12 ऐसे नंबर इंग्लिश में लेकर आ रहे हो तो कट ऑफ जो है वो लेस देन 11 के आसपास में रहती है। ये सेक्शनल बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, एसबीआई पीयू में ओवरऑल होता है और आईबीपीएस पीयू में आपकी सेक्शन बेस्ड कट ऑफ रहती है। हर सेक्शन को आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, क्वांट को, रीजनिंग को और इसको इंग्लिश को भी। तो क्या है कि क्वांट रीजनिंग में इतनी हाई कट ऑफ, मतलब लेस देन 10 मार्क्स ऑलमोस्ट हर एक केसेस में रहती है और इंग्लिश में केवल आपने देखा लास्ट ईयर भी 11 थी। तो इस तरीके का फॉर्मेट हमें देखने को इंग्लिश में मिलता है। तो हम प्री जज नहीं कर सकते कि हम इतने ही अटेम्प्ट बनाकर आएंगे तो ये सेफ होंगे, तभी हमारा प्री क्वालिफाई होगा। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि पेपर में आप वहाँ पर 85 बना कराओ, 88 बना कराओ। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है पेपर में कि आप केवल 62 बना करा रहे हो। तो ये कम्प्लीटली टफनेस और डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, एक चीज़ और है कि जो लास्ट ईयर 2020 में आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, मैं चाहूँगा आप एक बार उसको ट्राई कर लो। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बुक कम्प्लीटली पूरी पीडीएफ है और उस पूरी पीडीएफ को आप एक बार डाउनलोड कर लो। उसमें सारे सॉल्यूशन सब कुछ दिए, गो थ्रू कर लो, कम टाइम में वो वाली चीज़ हो जाएगी। और जो मॉक फॉर्मेट में अटेम्प्ट ही करना चाहते हैं तो उनको भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्रॉपर मॉक फॉर्मेट में पूरे पेपर को भी दे सकते हो, जो कि लास्ट साल 2020 का आईबीएस पीओ प्री का पेपर था। तो ये है कि अगर वहाँ पर नंबर कम भी आ रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप कंसेप्चुअल नॉलेज देखना कि मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ, किन चीज़ों पर मैं छोटी सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ, कहाँ पर और चीज़ें मुझे करने की जरूरत है सो दैट कि मैं पेपर में बढ़िया परफॉर्म कर लूँ। तो ये माइंड से ये वाली चीज़ जो है ना कि मुझे इतने अटेम्प्ट ही नपेतले बनाकर आने हैं, ये निकाल दो। कोशिश करना है कि पॉजिटिव ही रखना है, मतलब 20 क्वेश्चन बनाने हैं तो 20 में 20 ठीक होने चाहिए। ये नहीं कि 25 बनाकर आएँ तो 12-15 ठीक हो रहे हैं और बाकी गलत हो जा रहे हैं, तो नंबर्स तो बहुत कम हो जाएंगे और पेपर ओवरऑल में आप रह जाओगे, भले ही सेक्शन आप निकाल लो। तो आईबीपीएस पीओ में ओवरऑल भी निकालना है, सेक्शंस भी निकालना है, तब जाके कहीं आपका पूरा सिलेक्शन मेंस के लिए होता है। तो यही कहूँगा कि माइंड में पॉजिटिव रखो और चीज़ों को करो। अभी तक किसी टेस्ट में कम नंबर आए थे, ज़्यादा आए थे, वो सारी चीज़ें अलग थी, लेकिन अब जो एक्चुअल एग्जामिनेशन होगा वहाँ पर अपना 100% देना है और वहीं से हम बढ़िया कर पाएंगे। तो एक बार फ्री टेस्ट से भी स्टार्ट करो और जो लास्ट साल 2020 का मेमोरी बेस्ड पेपर था उसको बनाओ। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।